ऐसे लोग होते हैं जो चुनौतियों का सामना करते हैं, और जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वही लोग दुनिया का इतिहास बदलते हैं। इस दुनिया की धरती में लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए और लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन कुछ ही लोग हैं इस दुनिया की धरती में जिनकी जयंतियां और उनका पुनर्निर्वाण दिवस मनाया जाता है। दावे के साथ मैं कह सकता हूं, चैलेंज के साथ, कि दुनिया की धरती में जितना बड़ा उल्लास और ताकत के साथ और पूरे मन से जो त्योहार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का मनाया जाता है, उतना दुनिया की धरती में न दीपावली, न होली, न रक्षाबंधन और न ईद, न और कोई त्योहार इतने धूमधाम से नहीं मनाया जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मनाया जाता है। अपने माता पिताजी की कभी इन्होंने देखभाल नहीं कर पाई, पत्नी को कभी उन्होंने प्यार से बात नहीं कर पाई, अपने बेटों का इलाज नहीं करा पाया, पैसे के अभाव में चारों बेटे एक एक करके खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना उस को उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं आपको बताऊं, बाबा साहब को लंदन जाना था, एक मिनट लेट होते तो जहाज छूटता है, और जाते हैं तो बेटा को दफनाने का समय नहीं है। बड़े धर्म संकट में था वो महापुरुष, उन्होंने चुना, सोचा कि अगर मैं लेट होता हूं तो 1931-1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ है, उसका जो परिणाम है, उसका जो प्रतिफल मिलने वाला है इस 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो मेरे हाथ से चला जाएगा। जिन लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ना चाह रहा हूं, जो सदियों से अपमानित हो रहे हैं, जो बेइज्जत हो रहे हैं, जो नली दलील हो रहे हैं, जिन्हें पशु और पक्षियों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, जिसे शिक्षा, संपत्ति, संस्कृति, राजनीति, समाज सबसे दूर रखा गया है, इस समाज को जो कुछ मिलने वाला है तो 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिलने वाला है। तीन दिवसीय विशाल बुद्ध जीवन गाथा के समापन और भंडारे के अवसर पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले विश्व वंदनीय व करुणा के महासागर, बौद्ध धर्म के जनक तथागत गौतम बुद्ध व कबीर पंथ के जनक संत श्रोमणि संत कबीर साहेब, संत श्रोमणि संत रविदास महाराज, सामाजिक क्रांति के पितामह व शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महामाना महात्मा ज्योतिराव जी फुले, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला व राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले, राष्ट्रमाता परम पूज्य रमाबाई अम्बेडकर, भामसेव DS4 और BSc के जनक परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, मामानवर साहब कांशीराम जी, हम सबको राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, आज तीन दिन से आज आप सबको भीम गाथा की कहानियां सुनाने वाली इस मंच के माध्यम से आदरणीय बहन और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर कुछ ही बिरले लोग होते हैं जो चुनौतियों का सामना करते हैं,
और जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वो ही लोग दुनिया का इतिहास बदलते हैं। प्राण सबको प्यारे हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें अपने प्राणों से ज्यादा इस देश की जनता और इस देश के लोगों की चिंता रहती है। इस दुनिया की धरती में लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए और लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन कुछ ही लोग हैं इस दुनिया की धरती में जिनकी जयंतियां और उनका पुनर्निर्वाण दिवस मनाया जाता है। साथियों, जयंतियां और परिनिर्वाण हर किसी का नहीं मनाया जाता। जयंतियां, परिनिर्वाण और मेले, उनको याद और उनकी कथाएं उन्हीं महापुरुषों की गाई जाती है जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया हो या भटके हुए रास्ते को सही रास्ते पर लाने का काम किया हो। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पैदा हुए 131 साल बीत चुके हैं, लेकिन 131 साल के बाद हम बाबा साहब को बामसोली की धरती में ही नहीं, मध्य प्रदेश और भारत की धरती में नहीं बल्कि दुनिया की धरती में उनको याद करते हैं। और 14 अप्रैल को उनके ऐसा त्योहार दुनिया की धरती में, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, चैलेंज के साथ, कि दुनिया की धरती में जितना बड़ा उल्लास और ताकत के साथ और पूरे मन से जो त्योहार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का मनाया जाता है, उतना दुनिया की धरती में न दीपावली, न होली, न रक्षाबंधन और न ईद, न और कोई त्योहार इतने धूमधाम से नहीं मनाया जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मनाया जाता है। क्या कारण है? कारण हम और आप सब लोगों को मालूम है कि इस महापुरुष ने अपने जीवन भर एक दिन चैन से नहीं रहा। ये महापुरुष जीवन भर अपमानित होते रहा। ये महापुरुष जिंदगी भर चुनौतियों का सामना करता रहा, पल पल पर अपमानित होता रहा। अपने माता पिताजी की कभी इन्होंने देखभाल नहीं कर पाई, पत्नी को कभी उन्होंने प्यार से बात नहीं कर पाई, अपने बेटों का इलाज नहीं करा पाया। पैसे के अभाव में चारों बेटे एक एक करके खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं आपको बता दें, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, दुर्भाग्य से उसी दिन उनका बेटा खत्म हो गया था। उनको दफनाने के लिए एक दो हाथ का कफन भी उनके पास में नहीं था। धन्य है वो मां रमाबाई जिनकी गोद में वो बेटा मरा हुआ रखा हुआ था। बाबा साहब को लंदन जाना था, एक मिनट लेट होते तो जहाज छूटता है और जाते तो बेटा को दफनाने का समय नहीं है। बड़े धर्म संकट में था वो महापुरुष। उन्होंने चुना, सोचा कि अगर मैं लेट होता हूं तो 1931-1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ है, उसका जो परिणाम है, उसका जो प्रतिफल मिलने वाला है इस 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो मेरे हाथ से चला जाएगा। जिन लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ना चाह रहा हूं, जो सदियों से अपमानित हो रहे हैं, जो बेइज्जत हो रहे हैं, जो नली जलील हो रहे हैं, जिन्हें पशु और पक्षियों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, जिसे शिक्षा, संपत्ति, संस्कृति, राजनीति, समाज सबसे दूर रखा गया है, इस समाज को जो कुछ मिलने वाला है तो 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिलने वाला है।
अगर मैं उधर नहीं गया तो ये मेरा पूरा समाज जो लंबे समय से गुलामी कर रहा है, पता नहीं कितने लंबे साल तक और इसे गुलामी करनी पड़ेगी। इसलिए उस महापुरुष ने निर्णय लिया कि मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन जो दुनिया में मेरे बेटे आज जिंदे हैं पूरे समाज के, उन्हें मुझे बचाना है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना। बाबा साहब वहां गए, धन्य वो महापुरुष वो मां, उन्होंने हंसते हंसते कहा बाबा साहब आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना बहुत जरूरी है। रजब रमाबाई से पूछा, उनका जवाब था मेरे साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार लेकर के आए, उनको संविधान लिखने का मौका मिला। जब 1932 के गोल में सम्मेलन से लौट करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अपने बंबई के राजगृह में जब पहुंचे थे, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोल में सम्मेलन से लौट करके आ गए हैं। चलो बाबा साहब से पूछें कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। मेरे भाइयों, बाबा साहब के अनुयायी सुबह ही सुबह बाबा साहब से मिलने के लिए आए तो सामने अपने लोगों को देख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हंस रहे थे। मेरे साथियों, वो अनुयायी सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को बाबा साहब लेकर के आए हैं। उन लोगों ने आकर के बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब हमने आपको जिंदगी में कभी भी हंसते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपके होठों पे हंसी नहीं देखी, हमने आपके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं देखी, लेकिन ये जिंदगी का पहला दिन है जो हम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होठों पे हंसी देख रहे हैं। बाबा साहब हम जानना चाहते हैं। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, आपको शिक्षा से दूर रखा, आप पढ़े लिखे तो नहीं हैं, आपको मकान बनाने से दूर रखा, आपके पास मकान नहीं है, आपके पास किला किसा किताब कॉपी और कलम और स्लेट बत्ती नहीं है, इस देश की व्यवस्था ने आपसे छीन लिया था, लेकिन ये झोपड़ियां जरूर है आप लोगों के पास, आप इन झोपड़ियों में लिख लो कि राइट ऑन योर वॉल दैट यू आर रूलर ऑफ दिस लैंड। जिस दिन आप मैं आपको एक वोट का अधिकार लेकर के आया हूं, जिस दिन आप इस वोट की कीमत को पहचान जाओगे उस दिन आप इस देश के शासक होंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, एक बार एक सभा में, ऐ मेरे लोगों, मैं आप लोगों से एक बात कहते कर कहते जा रहा हूं, मेरा अंतिम समय है, मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाला, मुझे बीमारियों ने घेर लिया है, जीवन भर संघर्ष करते करते मेरा शरीर छीण हो गया है, मैंने कभी सूखी दो रोटी नहीं खाए, मेरा ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों से एक बात जरूर कह करके जा रहा हूं, ऐ मेरे लोगों, अगर आप मेरे मिशन को आगे ना बढ़ा सके तो कम से कम मेरे मिशन को पीछे मत जाने दो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया, उस संविधान की वजह से हम सब लोग कपड़े पहनने के लायक हुए, हमने चश्मा लगाना शुरू किया, बेल्ट लगाना शुरू किया, सूट बूट पहनना शुरू किया, स्कूलों में जाना शुरू किया, अधिकारी कर्मचारी बनने लगे, एमएलए एमपी बनने लगे, मंत्री मिनिस्टर बनने लगे, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने लगे। ये बाबा साहब के संविधान की वजह से। जिन लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था, उस बाबा साहब के वोट की वजह से बड़े बड़े लोग धन्ना सेठ,
बड़े बड़े राजा महाराजा धीराजा, चाहे 22 राव 44 राव 88 राव टाटा बिरला रंग बिरला डालमिया किलोस्कर मल्होत्रा एक्शन बाटा अंबानी सिंघानिया क्रिकेटर फिलोसफर तमाम सारे बड़े बड़े लोग जो इस समाज की छाया से घृणा करते थे, जो इनके पास होके नहीं निकलते थे, वो लोग बाबा के वोट की वजह से आप सबके चरणों में अपनी नाक रगड़ते हैं। ये बाबा साहब की वजह से है, मैं बता दे रहा हूं। ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। बाबा साहब के संविधान से पहले आप लोगों के सम्मान की किसी ने फिक्र नहीं की, आपके सम्मान की किसी ने कोई सोची नहीं, सपने में भी नहीं सोचा कि इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया, आज 72 साल हुए हैं। संविधान को लागू हुए 72 साल बीत चुके हैं, लेकिन 72 साल से ऐसा कोई बाबा साहब पैदा नहीं हुआ कि इस तरह के अधिकार हमें देकर के जाता जिससे सारे लोग हमारा सम्मान करते। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे साथ जो जो लोग कुर्बानी करते हैं, उनकी कभी किसी की कुर्बानी बेकार नहीं जाती। आज आप लोग जो जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगा रहे हैं, ये मान के चलो आप अपने आगे वाली पीढ़ी को एक रास्ता दिखा करके जा रहे हैं और उसे एक कदम आगे बढ़ाकर दूसरे कदम के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाकर आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं। इस दुनिया की धरती में अगर तथागत गौतम बुद्ध नहीं पैदा होते, इस दुनिया की धरती में अगर संत कबीर साहेब नहीं पैदा होते, इस दुनिया की धरती में अगर गुरु घासीदास गुरु गोविंद सिंह पैदा नहीं होते, गुरु रविदास जी पैदा नहीं होते, महात्मा ज्योतिबा फुले पैदा नहीं होते, तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो सकता ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनका संघर्ष का परिणाम, उनके संघर्षों की कहानी, उनके वेदों को उनके किताबों को पढ़कर बाबा साहब ने कहा कि हमारे महापुरुष रास्ते पर चलने को कह गए हैं, हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु रविदास, महात्मा फुले ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चले और तथागत बुद्ध का त्रिषण, तथागत बुद्ध का पंचशील, तथागत बुद्ध की सारी रचना वो ये महात्मा बाबा साहब ने संविधान में लिखी है, और उसी संविधान की वजह से हमें मान सम्मान हक अधिकार नौकरी चाकरी रोजगार व्यवसाय पोल पुलिया खरंजा ये सब संविधान से मिलता है, ये हमें कोई नहीं दे रहा। मैं बताना चाहता हूँ, आप सोच रहे हो कि भाजपा दे रही है, आप सोचते हो कि कांग्रेस दे रही है, आप सोचते हो कि और दूसरी पार्टी दे रही है, ये संविधान दे रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता, मैं बता देना चाहता हूँ। ये सब संविधान की वजह से है। अगर हमारी कोई ढाल की तरह रक्षा कर रहा है तो केवल हमारा संविधान कर रहा है। संविधान की वजह से हम जिंदे हैं। जिसके बाप दादों की छाया से नफरत की जाती थी, आज उसका बेटा नाती अब खड़ा होकर के भाषण दे रहा है। उसी बाबा साहब के संविधान की वजह से मैं एमएलए बना हूं, और एमएलए बनने के बाद मुझे 3 करोड़ रुपए के अधिकार दिए संविधान ने, क्या मैं 3 करोड़ रुपए पर मैं जहां चाहूं वहां 300 लाख रुपए अपनी मर्जी से जहां चाहूं वहां दे सकता हूं, ये अधिकार मुझे बाबा साहब के संविधान ने दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, संविधान ने हमें जो अधिकार दिया, ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुलेआम कह रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मेरे भाइयों मैं बता देना चाहता हूं, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खतरे में है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि यह संविधान पुराना हो चुका है, इस संविधान की कोई जरूरत नहीं है, इस संविधान को बदल दो, दूसरा संविधान लिखो और उसे लागू करो। ये मोहन भागवत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की केंद्र का एक मंत्री है अनंत हेगड़े, उसने पिछली साल कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता इस देश के संविधान को बदलने की है। अभी 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2024 में चुनाव होगा, उसके बाद 30 साल तक भारत में कोई चुनाव नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, जो लोग कह रहे हैं उनकी बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। अभी रूस ने, रशिया ने, चीन ने, इंग्लैंड ने, जापान ने, फ्रांस ने ये कानून बना लिए हैं कि 29, 29 और 30 साल तक कोई चुनाव नहीं होंगे। चीन ने तो ये कानून बनाया है कि जब तक चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग जिंदा है, जब तक उसकी आखिरी सांस है, तब तक चीन में चुनाव नहीं होगा। ये ही रूस के राष्ट्रपति ने कानून बना लिया है कि जब तक रूस का राष्ट्रपति जिंदा है, तब तक वहां भी चुनाव नहीं होंगे। और उत्तर कोरिया में भी यही कानून बन गया है कि जब तक वहां का तानाशाह जिंदा है, तब तक वहां पर चुनाव नहीं होंगे। और 2024 के बाद भी भारत में कोई चुनाव नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये हुआ तो हमारी तुम्हारी औकात कुत्ते और बिल्लियों से भी बदतर हो जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप ये मत समझना कि हम बहुत बड़ी संख्या में हैं, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सरकार के आगे किसी की नहीं चलती। जिसके हाथ में मिलिट्री हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, जिसके हाथ में प्रशासन हो, जिसके हाथ में रोज नामचा हो, क्या कर सकते हो आप उनका? केवल तुम उन्हें जीत सकते हो तो अपने वोट से जीत सकते हो। इसीलिए बाबा साहब की वो याद दिला रहा हूं बात, ये मेरे भाइयों, अगर आप मेरे मिशन को आगे ना बढ़ा सके तो कम से कम उसे पीछे भी नहीं जाने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, वो याद मैं आपको कह देना चाहता हूं, बाबा साहब का मिशन भारत का संविधान था, वो खतरे में है, उसे खत्म मत होने देना। मैं आपको बता देना चाहता हूं, नहीं आगे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो छोटे छोटे हमारे नुनियाल मासूम बच्चे हैं, उनकी औकात कुत्ते और बिल्लियों से भी हो जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो भारतीय संविधान को बचा लेना। निश्चित तौर पर साथियों, आज मेरे बहुत सारे कार्यक्रम, मुझे वहां जाना है। अभी मैं 5 कार्यक्रम करके आऊं, मुझे 7 कार्यक्रम और शिरकत करनी है, लोग मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं लेना चाहता। बाकी आप लोगों ने जो बाउंड्री की बात की है, मैंने तो 35 लाख रुपए सेमई आश्रम के लिए दिया था। कुछ दलाल साहब के लोग जो समाज में नफरत और गंदगी पैदा करते हैं, वो 35 लाख रुपए आज भी मेरे सरपंच के खाते में पड़े। मैंने बावड़ी पुरा के लिए दिया, चिट्ठी मैंने लिख के उनके सरपंच के पास में चली गई है। मैं रामपुर में भी बाबा साहब के लिए घोषणा की, वहां भी मैं कह रहा हूं, दे रहा हूं, अभी चिट्ठी नहीं लिखी है, और यहां के लिए भी मैं दे रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप करा लेना बाउंड्री, ये मेरा पैसा नहीं है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मेरी औकात नहीं थी कि 300 करोड़ का मैं मालिक बन जाता। एक साल में 300 करोड़, 300 लाख, 5 साल में 15 करोड़ रुपए होते हैं साथियों, ये मुझे इनके संविधान की वजह से मिले हैं, और इन पे खर्च करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। निश्चित तौर पर आप सब लोगों से मेरी यही उम्मीद है